ब्राह्मण सभा ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को किया सम्मानित। डायनेस्टी स्कूल संस्थापिका की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की शिरकत। जीबीएन इंटर स्कूल में स्पोर्ट्स मीट आयोजित, 300 से अधिक बच्चों ने लिया हिस्सा। पर्वतीय कलोनी स्थित केडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नवप्रिय सेवा संस्था द्वारा 54वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 60 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल में टैलेंट सर्च एग्जाम प्रतियोगिता आयोजित, 3264 बच्चों ने लिया हिस्सा। विश्व एड्स दिवस पर मरोली गांव में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित, 46 रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जेपी उम्मीदवार किशन कठोरे ने अपना नामांकन लिया वापस, कांग्रेस के नाना पटोले निर्विरोध बने स्पीकर। उद्धव सरकार में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार, शरद पवार लेंगे फैसला। देश के जाने माने उद्योगपति राहुल बजाज ने कहा कि इस वक्त देश में खौफ का माहौल है, लोग सरकार की आलोचना करने से डर रहे हैं। नरेला में 9 साल के बच्चे के साथ रेप, बेल्ट से गला दबाकर झाड़ियों में फेंका। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या करने और शव को जलाने की घटना पर देश भर में आक्रोश साफ नजर आ रहा है। बॉलीवुड सेलेब से लेकर राजनेता तक सभी इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने मुजरिमों को सड़क पर फांसी की सजा देने की मांग की है। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।